आज की ये क्लास भी आपकी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू का हिस्सा है, ठीक है। अभी तक जैसा हम लोगों ने विज्ञान, जिसमें आपने देखा था कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन तीनों को कवर किया हुआ है, फिर आपने देखा है कि पर्यावरण, पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था, संविधान, भूगोल, भूगोल में आपने देखा था भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। तो याद रखिए सभी क्या है कि जब आप लोग पेपर देने जा रहे हो जिस साल भी, उस साल आप लोग के पास टाइम नहीं है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो इसे रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देख सकते हैं और जा सकते हैं। काफी मटेरियल है, मुझे लगता है वन डे एग्जाम के लिए बहुत काफी है, ठीक है। जब भी इतना ही रख लीजिए, मुझे लगता है कि इसमें वही क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो या तो पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में या पूछने की पूरी पूरी संभावना रहती है, ठीक है। तो रिवीजन, क्विक रिवीजन के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बना दी थी, उसी में सभी क्लासें डली हुई हैं। आपका केवल अब बचा हुआ है इतिहास, तो इसमें आज हम लोग प्राचीन भारत देख लेते हैं इस क्लास में, आगे हम लोग मध्यकालीन, फिर आपका आधुनिक भारत देख लेंगे। इसके बाद आपका फिनिश हो जाता है, मतलब खत्म हो जाती है आपकी पूरी कहानी, ठीक है। इतना ही काफी आपके लिए, और विस्तार से पढ़ना है तो फिर तो आपके लिए लूसेंट है, लूसेंट से अच्छी अगर किताब पढ़नी है तो किरण सामान ज्ञान बुक्स है, उसे भी हम लोग कवर कर चुके हैं। और आपका मन और विस्तार पढ़ने में है तो जाइए आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, वो भी कवर करवा दी गई है आपकी, ठीक है। और याद रखिए, मुझे लगता है सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस में काफी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो इस प्रीलिम्स के लिए भी जरूरी है, वन डे एग्जाम के लिए तो आपके डायरेक्ट ही क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए हम लोग प्राचीन भारत के जानते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल, रॉबर्ट वुड्सफुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। रॉबर्ट वुड्सफुट कौन थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद, भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है रॉबर्ट वुड्सफुट को, ठीक है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस और लोहे युग का त्रियुगीय विभाजन किया जाता है, ये थॉमसन ने, किसने? थॉमसन ने। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं आपको मध्य पाषाण काल में, किसमें? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वह स्थान कौन सा है? यह है आदमगढ़, ठीक है। ये आपका एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। चौपानी मांडो, काकोरिया और महदहा और सराय नाहराय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ये महदहा से, ठीक है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए थे, ये महदहा से। एक ही कब्बे से तीन मानव कंगाल मिले थे आपको, दमदमा से, दमदमा से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, किसमें? नवपाषाण काल में आपने देखा कि कृषि प्रारंभ हुई। वैसे तो आपकी कई जगह आप देखते हैं कि मध्य काल में भी प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन नियमित रूप से आपकी नवपाषाण काल में देखने को मिली। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है ये नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे लहुरा देव से, ठीक है। पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग और ताम पाषाण युग और लोह युग में से चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, ये किसे कहते हैं? ताम पाषाण युग को। आप लोग आमे, मेहरगढ़, कोटदीजी और कालीबंगा में से वह पुरास्थल जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं, तो ये देखेंगे आप लोग मेहरगढ़ है, क्या है? मेहरगढ़ से। नवदा टोली का उत्खनन करवाया था H.D. संकालिया ने, ठीक है। नवदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में, कहां? मध्य प्रदेश में, एमपी में। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, राग का टीला, बुधियाल, संगन कल्लू, कोल्डी हवा और ब्रह्मागिरी में से जिसमें नवपाषाण स्थल से संबंधित है वह है संगन कल्लू। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के लिए, भीमबेटका कहाँ है? ये भी एमपी में आपकी रायसेन। गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं में चित्र, शैल चित्र के लिए। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए भीमबेटका से। अजंता भीमबेटका बाग और अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है यह भीमबेटका, क्या है? भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं स्थित है अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में, एमपी में। गैरिक मेधवान पात ओस्तीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, किस दिशा में? उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से
दक्षिण की ओर। ब्रह्मागिरी, बोड़ीहोम, चिरांग और मास्की में से वह स्थल जहां से मानव कंगाल के साथ कुत्ते का कंगाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। बोड़ीहोम, आप समझिए उस समय भी एक तरह से अपने साथ इस तरह की भावनाएं होती होंगी, समझ रहे हैं, इस तरह की परंपराओं प्रथाओं को मानते होंगे लोग कि अपने कुत्ते को भी साथ में दफनाने की। बोड़ीहोम कोल्डिहवा ब्रह्मागिरी और संगन कल्लू में से गर्द आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए बोड़ीहोम से। और अगर आपसे पूछे कि सबसे पहला पालतू पशु कौन था, सबसे पहले तो कुत्ता ही है, ठीक है। विंध्य क्षेत्र का वह शैलाशहर जहां से सर्वाधिक मानव कंगाल मिले हैं, लेखा लेख लेख हरिया, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति पर्यटन और विज्ञान प्रौद्योगिकी मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय संस्कृति मंत्रालय का, किसका, संस्कृति मंत्रालय का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, भोपाल में। आप जानते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ठीक है। अब बात करते हैं सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। हड़प्पा संबद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी संबंधित है आग ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता और गैर आर्य थे क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था, मेदभान मेदभान। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी और इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव। आप सोचिए कि सिंधु यानी कि हड़प्पा सभ्यता में भी आपका स्वच्छता पर काफी जोर दिया गया। नाली व्यवस्था आप देखते थे, हर घर से नाली निकलती थी। आज से हमें लगा तो उस समय के आदमी समझदार होंगे। आप एक बात समझ सकते हैं कि कुत्ता, लगभग हम लोगों ने जब से होश संभाला तब से हम लोगों ने कुत्ते को पालतू बनाया। कुत्ता अभी भी वफादारी निभा रहा है और इंसान को देखिए कितना गिर चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना धर्म कौन अपना कर्तव्य निभा रहा है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमलन है E.J.H. मेके, सुमेर से लोगों का पलायन, मार्टियल व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवक्षण, अमल नंदा घोष ए हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, एक उत्पत्ति के कारण है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से, किससे, हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा संस्कृति में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ है लाल रंग, कौन सा, लाल रंग। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से, ठीक है। गाय, हाथी, गैंडा, बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ है, गाय का। आप देखें गाय का यहाँ इस समय साक्ष्य नहीं मिलता है, समझ रहे हैं आप लोग। घोड़े का भी कई जगह मूर्ति मिली है लेकिन कोई साक्ष्य ज्यादा कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। लोहा का भी अभी उपयोग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो गाय अभी याद रखिए नहीं है, ये अलग बात है कि आप कहेंगे कि बैल का इस समय आपको उल्लेख देखने को मिलेगा, कहेंगे कि बैल कहाँ से आया होगा, गाय नहीं थी तो ये अलग बात है। लेकिन यहाँ नहीं कहा, ऐसा कोई वो नहीं साक्ष्य की गाय के बारे में कहा जा सके। प्राचीन स्थल, पुरातात्विक स्थल, लोथल, गोदीवाड़ा, कालीबंगा, जुता हुआ खेत यहाँ से देखने को मिला, धौलावीरा, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, बनावली, ये पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की पिति कृति मिली है यहाँ से, ठीक है, बनावली से। फिर आपका ये स्थल हो गए, ये नदी हड़प्पा रावी नदी के तट पे, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा, पैठन गोदावरी, ठीक है। ये बस्ती हो गई, ये नदी हड़प्पा रावी कालीबंगा घग्गर लोथल भोगबा रोपड़ सतलज। सिंधु सभ्यता के बारे में सही कथन है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था और मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए और अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए और अपने उद्योगों के लिए जानी जाती है, ठीक है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ पंजाब। याद रखिए अगर सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस में आपके क्वेश्चन इससे आएगा
तो आपसे कह देगा सही सम्मिलित करना है आपको, ये इसका क्रम बदल देगा, गुजरात की जगह उत्तर प्रदेश, राजस्थान की जगह पंजाब कर देगा इस तरह से, और फिर आपको चार नीचे ऑप्शन दे देगा, एक तीन से मेल खाता है, दो चार से, इस तरह से पूछेगा। वनडे एग्जाम की बात करूं, एसएससी, बैंक, रेलवे और इस तरह के होते हैं जो, तो उसमें डायरेक्ट पूछ लेगा कि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है आलमगीर, ये कहाँ देखने को मिलेगा, कालीबंगा कहाँ है, तो आपको राजस्थान इस तरह से, आलमगीर उत्तर प्रदेश इस तरह से बताना होगा। ठीक है, सम्मिलित है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, बनावली हरियाणा, दायमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी हरियाणा। ठीक है, ये हड़प्पाई स्थल है और स्थिति मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल है, मोहनजोदड़ो, चंद्रोदेड़ो, जुड़ेर जोदड़ो, आमरी, कोटदीजी, अली मुराद। चंद्रोदेड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने, जे एच मैकी ने। कालीबंगा, हड़प्पा और लोथल आलमगीर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, हड़प्पा, हड़प्पा आपका पाकिस्तान में। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यताएं थी वह सौराष्ट्र गुजरात में, सौराष्ट्र गुजरात में। ठीक है, दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पाई पुरास्थल है पंजाब का। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है, लोथल गुजरात में। वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, स्थित है कहाँ, भोगबा नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था लोथल। सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम में से वह जो हड़प्पा सब हड़प्पा का बंदरगाह था, तो ये लोथल हड़प्पा का बंदरगाह था। कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र और लोथल में से वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, ये पाटलिपुत्र नहीं है, क्या नहीं है, पाटलिपुत्र। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में, लेकिन इस समय आपको मंदिर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि मातृशक्ति भूमि की पूजा भी करते थे लोग, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे माता देवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों की और वृक्षों की। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह राखन लाल बनर्जी, मोहनजोदड़ो की खोज, और दयाराम साहनी, हड़प्पा की खोज। इनको याद रखिए, इनको कई बार पूछ लेता है ये, हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथल, एस आर राव, सोरकोटदा, जेपी जोशी, धौलावीरा, जेपी जोशी। ठीक है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्व जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, ये था ए कनिंगम। ए कनिंगम आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित और एम एस वस और बी ए स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो बी ए स्मिथ नहीं है। ठीक है, बी ए स्मिथ नहीं है, बाकी आर डी बनर्जी हैं, के एन दीक्षित हैं और एम एस वस्तु ही है। ठीक, वस्तु सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो में से वह स्थल जहां से घरों में कुओं की अवशेष मिले हैं, ये मोहनजोदड़ो है, क्या है, मोहनजोदड़ो। सही काला क्रम है नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, सोने के सिक्के। ठीक है, सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया हुआ है, तांबा, ऐसे भी याद रखिए कई बार पूछ लेता है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था, तांबे का। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है लोथल से, कहां से, लोथल से। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई वह है लोहा, लोहा का इस समय आपको उपयोग नहीं देखने को मिलेगा। आलमगीर, लोथल, मोहनजोदड़ो और तथा बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों नदियों की घाटी में स्थित है, बनावली। ठीक है, सही कथन है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया है, बिल्कुल सही बात है। कथन ए और कारण आर, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता अब विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल सही है, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, बिल्कुल दोनों सही है आपके, ए आर दोनों सही है, लेकिन आर एक आर सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है ए का। ठीक है, लेकिन आपके दोनों कथन सही है।
हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में सेल्किट स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं ये धौलावीरा से। कहां से? धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है? गुजरात। वह हड़प्पाई नगर जो तीन भागों में विभक्त था, धौलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। कहां से? धौलावीरा से। कुंतासी धौलावीरा लोथल और कालीबंगा में से वह स्थल जहां से दुई सब संस्कार यानी कि डबल बरियल का प्रमाण मिला है लोथल और कालीबंगा से। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुए मानव समाधान। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी। उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे था वर्चस्वशाली नहीं। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल ये भी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में क्या सही है? वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात ब्रसम मुद्रा प्राप्त हुई थी ये मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिलता है, घोड़ा, गाय और ऊंट का, ये आपको इस समय देखने को नहीं मिलेंगे। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए वह है शेर। क्या है? शेर के भी आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, ठीक है। अवशेष मेड़ पट्टिका का उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी थी मिस्र की सभ्यता। ये इसी समय की बात है, हड़प्पा सभ्यता जब हमारे देश में थी उस समय ये मिस्र की सभ्यता मिस्र में थी। माया एजटेक मुइस्का और इंका सभ्यताओं के उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है एजटेक माया मुइस्का और इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। कौन सी? सुमेरिया, ठीक है, याद रखें। वैदिक काल में चलते हैं हम लोग। वैदिक काल में देखें तो आर शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश से, श्रेष्ठ वंश से वैदिक काल। क्लासिक क्लासिकीय संस्कृत में आर शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। तरई नाम दिया गया है किसे? तीन वेदों को। इसमें आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल है, लेकिन अथर्ववेद को तरई वेद में आपका शामिल नहीं किया गया, याद रखिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को आपका शामिल किया गया। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख है मिलता है यह है ऋग्वेद आपका। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल तक पाया जाता है ऋग्वेद में। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित, यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है, सामवेद संगीत से। इन्हें याद रखिए, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आपके कई बार पूछे जा चुके हैं। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद संगीतमय स्रोत, अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। आपसे कई बार ये भी पूछ लेता है संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, सामवेद को। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद चारों वेदों में से वह जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है तो यह है अथर्ववेद। ऋग्वेद में ऋचाएं थी 1028, ऋग्वेद में मंडल थे 10। ये वेद हो गए, ये ब्राह्मण हो गए। ऋग्वेद ऐत्रेय, सामवेद पंचविश पंचवीश, अथर्ववेद गोपथ और यजुर्वेद सप्त शतपथ। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है नौवा मंडल। कौन सा? नौवा मंडल। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद से। यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है तो यह सामवेद। क्या है? सामवेद। तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लोहा धातु के पिछलन के प्रमाण मिले हैं ये अतरंजी खेड़ा। याद रखिए वैदिक काल में आपको देखने को मिलेगा लोहे का साक्ष्य, ठीक है, अतरंजी खेड़ा से। सबसे पहले उपनिषदों की संख्या का मुख्य विषय क्या था? दर्शन। ऋग्वेद परिवर्ती संस्थाएं संहिताएं ब्राह्मण। उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है श्वेतासुर उपनिषद में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम की संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त होता है वह है कठोपनिषद। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, किस
वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण और आरण्यक उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। कौन सी? सिंधु। वैदिक नदी अश्विनी की पहचान की जाती है चेनाब नदी से। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह है कुंभा उक्रमु। ठीक है, वैदिक नदियां और आधुनिक नाम। कुंभा काबुल, परुष्णी रावी, सदानीरा गंडक, सतुदी सतलज। ये आधुनिक नाम है, यानी कि कहने का मतलब वर्तमान नाम जिस नाम से जानते हैं नदियों को, ये पुराने नाम हो गए वैदिक समय के। ठीक है, वह प्रथा जो चतुष्ट है जो विदुत्तर काल में विचलित हुई, ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, धर्म तथा रित भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन क्या है? धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रित मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित भी करता था। अग्नि, बृहस्पति, घोष और इंद्र वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता है। बृहस्पति को लोपामुद्रा, गार्गी और लीलावती। सावित्री में से वह ब्रह्मावादिनी जिसने कुछ वेदों मंत्रों की रचना भी की थी, तो ये थी लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में निस्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग सिक्का में के लिए होता है। ऋग्वैदिक काल में निस्क आभूषण था गला का, गले में पहनने वाला। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का बोगजकुई अभिलेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख भी प्राप्त होता है। देखिए, एक बात और याद रखिए, यहाँ कई लोग कहते हैं कि BC और AD में कई लोगों को पता नहीं होता है क्या होता है, तो याद रखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका जन्म हुआ आज, ठीक है, आज कैसे हो सकता है, लेकिन मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, हम लोग बचपन में भी तो XYZ मानते थे मैथ लगाने के लिए। तो आपसे अगर आपके पिताजी से कोई पूछे कि मकान कब बनवाया था, तो आपके पिताजी कह दें कि बेटे के जन्म के पूर्व इतने साल पहले, तो इसे आप कह दीजिए BC, ठीक है, यानी कि ईसा पूर्व। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ईसा के जन्म के पूर्व, और ईस्वी मतलब ईसा के जन्म के बाद, यानी कि आपके जन्म के बाद कोई अगर काम होता है तो उसे आप लोग क्या कह देते हैं? ईस्वी, यानी कि AD कह देते हैं। ठीक है, मानसेरा, सहवाजगढ़ी और बोगजकुई तथा जूनागढ़ अभिलेख में से वह जो ईरान से भारत में आए आर्यों के आने की सूचना देता है, बोगजकुई। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, बाल गंगाधर तिलक साहब ने। पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधेयक माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगढ़। उत्तर वैदिक काल से आर्य संबंध संस्कृति का धुर समझा जाता था अंग मगध को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। कहाँ? ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। याद रखिए, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ, लेकिन गोत्र प्रथा की सर्वप्रथम स्थापना हुई उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि और कर्म कांडों पर। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परोसनी नदी के किनारे। ठीक है, सिंधु सरस्वती, वितस्ता और यमुना में से वह नदी जिसे एक ऋग्वेद में मातृतमा, देवी तमा और नदी तमा के रूप में भी संबोधित किया गया है, यह है सरस्वती। क्या है? सरस्वती माता। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे यदु, दुर्द और पुरो, अनु, तुर्वसु। प्राचीन काल में आर्यों की जीविका उपार्जन का मुख्य साधन क्या था? शिकार करना। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द जिस कृषि भूमि कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया वह है जौ। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र, यानी कि आप समझ रहे हैं वंश परंपरागत राजनीति, एक के बाद एक, कोई चुनाव नहीं होता। राजतंत्र का सीधा सा मतलब निकाल लिया करिएगा, राजा का तंत्र। किसका? राजा का तंत्र। ठीक है,
सभा और समिति की को प्रजाति की दो कोटियां कहा जाता है, प्रजापति की अथर्ववेद में कहा गया है। ठीक है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है कहाँ, अथर्ववेद में। ऋग्वेदिक धर्म था बहुदेववादी, कैसा था, बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है इंद को, ऋग्वेद में इंद के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। ऋग्वेद में योग देवता समझा जाता है इंद को। पूर्व वैदिक कार्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता है इंद। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ाव है किससे, ब्रह्मण युग से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में, किसमें, ऋग्वेद में। ठीक है, उसके बाद आपका है गायत्री मंत्र की रचना थी, की थी किसने, विश्वामित्र ने। सरक पितिसरक वंश मन्वंतर और वंशानुचर संकेतक हैं पुराणों की, पुराणों की संख्या है 18। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में लिखी गई है संस्कृत में, किसमें, संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती है जय सीता के नाम से भी से जानते हैं। ठीक है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था वह था वासुकी, वासुकी। ठीक है, अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है धर्मशास्त्र के समय। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडक उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनवयायी माँ होने के लक्षण को चुनौती देते हैं देती है उल्लेखित है छंदोक उपनिषद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्रह्मी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद के में समानता है, अवेस्ता संबंधित है ईरान से, कहाँ से, ईरान का ग्रंथ है। वैदिक काल में अगण्य माना जाता है गायों को। ऋग्वैदिक काल में के पैरों में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है गाय को। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल वंश कोष गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शीर्ष तीन के वर्ग का नहीं है कोष। संस्कारों की संख्या है 16, कितनी, 16। जीवों का उपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाता है उपाध्याय, क्या कहलाते हैं, उपाध्याय। अब आपके बुद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिए गए, याद रखिए। जो बुद्ध धर्म, बुद्ध महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी जैन धर्म के आपके महावीर स्वामी, और बुद्ध गौतम बुद्ध, इनके बारे में हम लोगों ने बायोग्राफी इनकी कवर की हुई है। अगर विस्तार से आपको जानना है इन लोगों के बारे में तो बायोग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें डले हुए हैं। ठीक है, उसमें जाते रहिए, देखते रहिए। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में BC में। ठीक है, बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाविनिष्कर्षण के रूप में माना जाता है, उनका ग्रह त्याग त्रया। गौतम बुद्ध की मां संबंधित थी कौली वंश से, किसकी, कौली वंश से। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, क्या था, सिद्धार्थ। पषाण स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर सागर स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख अभिलेख, और रुम्मन देई स्तंभ अभिलेख में से वह एक जो अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था वह रुमिन देई स्तंभ अभिलेख, रुमिन देई स्तंभ अभिलेख। ठीक है, इसे भी आप याद रखिए अच्छे से। अशोक कनिष्क हर्ष और धर्मपाल में से हुआ है जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो मौर्य शासक अशोक के अभिलेख से ये आपको जानकारी मिलती है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था मल्ल गणराज की राजधानी कोशीनगर में। ठीक है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। अवंती गंधार कौशल और मगध राज्यों में से हुआ जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से रहा है, कौशल और मगध का संबंध आपके गौतम बुद्ध के जीवन से है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुबद्ध। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में, कहा, वैशाली में। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। अलार कलाम थी बुद्ध के एक गुरु जो सांग दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था सारनाथ में, कहा, सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध कौसम भी आए थे उदयन के राज्यकाल में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप द्वारा, महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। जो चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित हुई थी
उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। किसने? वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई है कनिष्क के शासनकाल में। किसके? कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था काशी वाराणसी में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। किसके? अजात शत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था कालाशोक ने। किसने? कालाशोक ने। बुद्ध के जीवन की चार महत्वपूर्ण घटनाएं उनसे संबंधित स्थलों के सम्मिलन इस प्रकार है। ये घटना, ये स्थल, जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोधगया, प्रथम प्रवचन सारनाथ, और कुशी निर्धन यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कुशीनगर में, ठीक है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है प्रथम उपदेश, ये अथर्व और ये चिन्ह, अर्थ हो गया जन्म, जन्म कमल, प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन, महाबोधि ये बोधि वृक्ष है, त्रयाग घोड़ा। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है यह कंगयुफा। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार भी किया था। ये चारों कथन गौतम बुद्ध के बारे में सही है। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ यहाँ। बौद्ध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट किया था शशांक ने। ये भी कई बार पूछ लिया गया है बोधि वृक्ष के को नष्ट किसने किया था? शशांक ने। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित था बौद्ध गया। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं और आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। देवदत्त गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बुद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था किसी को भी नहीं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु की। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे और निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बौद्ध संघ में भिक्षुड़ी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। किसने? वैशाली में। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक ग्रंथ है संबंधित बौद्ध धर्म से। किसे? बौद्ध धर्म से। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त हैं ये विनय पिटक है। वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बौद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं सूत्र पिटक से। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बौद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है अभिधम्म पिटक से। अशोकाराम बिहार स्थित है पाटलिपुत्र में। किसमें? पाटलिपुत्र में है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ देखने को मिलेगा? राजगीर बिहार में देखने को मिलेगा, राजगीर बिहार में। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है वह निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। सारनाथ सांची बोध गया और कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है सांची। क्या है? सांची। संसार का अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध और जैन ग्रंथ, जैन और गीता वेदांत में से जिसमें संबंध है वह है बौद्ध का। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है किसे? गौतम बुद्ध को। सर एडविन एनाल्ड की पुस्तक द लाइफ ऑफ द एशिया आधारित है ललित विस्तार से। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के रूप में प्राप्त हुआ है वह कनिष्क के समय। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह है बुद्ध की। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वो था बौद्ध धर्म। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से समर्थ प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। बुद्ध की कड़ी प्रतिमा बनाई गई है कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है या प्रतीक है। मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। किससे? गुप्त काल से। कथन एक कारण है कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। सही है। महात्मा बौद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था।
ये भी आपका सही है, ए आर दोनों सही है ठीक है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या बिल्कुल नहीं करता है। लोथल प्राचीन बोधि चित्र, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश यहाँ दिया था वो, और सांची अशोक का सिंह स्तंभ देखने को मिलेगा, और नालंदा बुद्ध अधिगम का महान पीठ आपको देखने को मिलेगा यहाँ। महान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और जिन जिस अन्य नाम से जानते हैं वह पद्म पाणि, पद्म पाणि ठीक है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, और बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंब करता है। बिल्कुल सही है। हीनान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रह है, एक काले में, कहाँ है, काले में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन में भेजा गया था वह है नागार्जुन का, नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम था, नाम है नागार्जुन। नागार्जुन जिस बौद्ध समुदाय के थे वो था माध्यमिक। विक्रमशिला वाराणसी गिरनार और उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा है विक्रमशिला। बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है गुप्त काल से, कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापक किसे माना जाता है, कुमार गुप्त को। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। बिल्कुल सही है। महाविहार को राजकीय प्रसन्न मिलना बंद हो गया था। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या बिल्कुल नहीं करता है। नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था, वेद प्रमाण के प्रति अनाज था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा। आप समझ रहे हैं जो अहिंसा की बात हम लोग करते हैं ना, ये गौतम बुद्ध के समय, जैन धर्म के समय ही आ गई थी। बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य का सही क्रम है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, और दुख का निरोध मार्ग भी है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। पुनर्जन्म नहीं होता है, गलत है, आत्मा की सत्ता नहीं है, ये आर सही है, ये गलत है ठीक है। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है, उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार किया है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी है, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना है। बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये सभी एक तरह से कहिए आप लोग कि बौद्ध धर्म के इतना विस्तार हुआ इसके लिए ये मूल आधार थे। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिन कारणों से शुरू हुआ वह उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। कुछ सैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में अंतर क्या है। चैत्य पूजा स्थल होते हैं और जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान हुआ करता था ठीक है। वह बौद्ध शाखा जो सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली थी तो ये थी वज्जयान। कौन सी, वज्जयान। जैन धर्म की अगर बात करें हम लोग तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं। कौन है, ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर एक ही व्यक्ति था, कौन से, ऋषभ देव। जैन धर्म पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित थे वाराणसी से। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडगा ग्राम में। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। तीर्थ शब्द संबंधित है जैन से, तीर्थकर। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम थे महावीर स्वामी ठीक है। चंद्र प्रभु, नाथ मुनि, नैमि और संभव में से हुआ जो जैन तीर्थकर नहीं थे, नाथ मुनि नहीं थे। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है जैन। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। त्रि सिद्धांत, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है, वह है जैन धर्म से संबंधित है। अणु ब्रह्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म में, किसमें, जैन धर्म ने। स्वायत्त स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकांतवाद बौद्ध मत
अनेकांतवाद, बौद्ध मत, जैन मत और सिख मत और वैष्णव मत में से जिसका कोर सिद्धांत एवं दर्शन है वह जैन मत। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और इस्लाम में से वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, जैन धर्म। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उपपूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है, 14 पूर्व, 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, ठीक है याद रखना। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए वह अर्ध मगधी में लिखे गए थे। चंपा बाबा समेत शिखर और पूर्व जैन में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से समृद्ध होने के कारण जैन क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, संवेद शिखर। थेरी गाथा, आचार आचारंग सूत्र, सूत कीर्तांग और बेहद कल्प सूत्र में से वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, थेरी गाथा। थेरी गाथा जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूल भद्र। स्थूल भद्र महावीर का प्रथम अनुयायी था, जमाली। क्या था? जमाली। प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर के जमाली। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ पाटलिपुत्र में। सत्य कथन है गौतम बुद्ध की माता कौलीब राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस बनारस से थी। दोनों कथन सही है। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में सत्य और महावीर स्वामी 24वें थे, ठीक है तीर्थंकर। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में सत्य कथन है भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुए परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थल स्थूल भद्र के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। और प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। ये सभी कथन जैन धर्म के बारे में सही है। जैन सिद्धांत के अनुरूप कथन है कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है और प्रत्येक वस्तु वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतर कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। समाधि मरण से संबंधित जैन धर्म से सत्य कथन है दक्षिण भारत के इच्छाकु शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। दोनों कथन सही है। अजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे मखाली गोसाल। वह संप्रदाय जो नीति की अटलता में विश्वास करता है, अजीवक। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया गया है, अजीव कौन है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौसाम्बी। यह कथन है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे, ये भी सही है। हुए सैलिस और मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी सही है। यानी कि आपके तीनों कथन सही है, ठीक है। सेवन वेल गोला में गौतेश्वर का विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी चामुंड राय ने, ठीक है। महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक संबंधित है बाहुबली से। बाहुबली बाहुबली को पुत्र माना जाता है प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का। अब बात कर लेते हैं सैव भागवत धर्म से भी संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आते रहे। प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है कृत, त्रेता, द्वापर, कलि। अजीब मत्यमूर मयूर, मत मयूर और मय मत और ईशान शिव गुरु देव पद्धति में से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था मत मयूर। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक है, देव और उसकी शक्ति का योग। नयनार थे शैव धर्मानुयायी। पोए गई तिरुज्ञान पूनम और तिरुमंगई में से वह जो अलवार संत नहीं था तिरुज्ञान। भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था गुप्त ने। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है छंदोग उपनिषद में। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी की गई ये भागवतों ने। वह देवता जैसे कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है बलराम। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों का की संख्या है 9। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है वासुदेव से। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख की है साक्ष्य हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी है तक्षला का। कहाँ का? तक्षला का। विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया वह वराह है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के
संदर्भ में भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। मोक्ष के साधन के रूप में जन्म कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है भगवत गीता। क्या? भगवत गीता, भगवत गीता। प्रस्थानतई में सम्मिलित है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, नैमिषारण्य। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है, एक किष्किंधा कांड। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती थी भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। नासिक में कुंभ मेला लगता है गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर। जैन धर्म पावापुरी से पवित्र स्थल है, जैन धर्म का ठीक है पावापुरी। हिंदू धर्म का वाराणसी, इस्लाम धर्म का मदीना और ईसाई का वेटिकन सिटी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 6ठी शताब्दी सती ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा की। तो भारत के प्राचीन प्राप्त सिक्के हुए चांदी के। ये राजा हो गया, ये राज्य हो गया। अवंती प्रबोध राजा था। उदयन कहाँ से? वत्स से संबंधित है। पिसेंजी कोसल से। अजातशत्रु मगध से संबंधित है। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। कहाँ? कलिंग में। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंती का। ठीक है, ABCD द्वारा अंकित स्थल है ए बी सी और डी। ए आपका मत्स्य और बी अवंती और सी आपका देखने को मिलेगा वत्स और ए डी अंग। ठीक है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है, मध्यमिका एवं विराट नगर। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कनिष्क में से पाटलिपुत्र को जिस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया उदयन द्वारा। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। मगध प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ है ईस्वी पूर्व यानी कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। गंधार, कंबोज, काशी मगध में से हुआ जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था काशी। शाक्य लिच्छवी और अयोध्या में प्रारंभिक गणतंत्र में नहीं था अयोध्या। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया लिच्छवी द्वारा। क्या है? लिच्छवी द्वारा। पार्श्वनाथ जैन धर्म से संबंधित। बिंदुसार मौर्य धर्म मौर्य शासक था। स्कंदगुप्त गुप्त शासक था। चेतक लिच्छवी। ठीक है, 16 महाजनपदों में से सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती हुआ है अवंतर निकाय और भगवती सूत्र में। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी अहिच्छत में। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा राजधानी थी सूरसेन की। चंपा राजधानी थी अंग की। 6ठी शताब्दी ईस्वी में सुक्तमती राजधानी थी चेदी की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अस्सक। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह, ग्रीवरज भी कहते हैं ग्रीवरज राजगृह। पाटलिपुत्र और कौशाम्बी से में से वह जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है, कौशाम्बी नहीं रहा है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास है अर्धचंद्राकार। मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, अजात शत्रु। इस वंश को आप देखिए कि पित्तहत्या वंश भी कहते हैं। अजात शत्रु का वंश क्या था? हरेक वंश। पित्तहत्या हत्या वंश यानी कि उसने अपने बाप को मारा अगत्य के लिए, उसके बेटे ने उसे मारा, इस तरह से चलता रहा विक्रम। आप कहते हैं ना कि जो आप संस्कार देंगे वही आपके बच्चे अपने बच्चों को देंगे, इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। वही मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ शिशुनांग के शासनकाल में। नंद वंश का पश्चात के पश्चात मगध पर शासन किया मौर्य राजवंश ने। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। मगध पर शासन करने वाला राजवंशों का कालक्रम है हरेक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सोम वंश। मगध का साम्राज्य जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, महापद्म नंद। सही कथन है विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक संबंधित था व्यभिचार के दरवाजे।
काल्पी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है वह है यमुना। ये भी सही है, उत्तर प्रदेश के प्राचीनतम जनपद हुआ है, राजधानी है। कुरु इंद्रप्रस्थ राजधानी थी, पंचाल अहिच्छत कौशल साकेत और वत्स कौशाम्बी। यूनानियों की बात करें, यूनानी आक्रमण तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत प्रशासन किसका था, नंदवंश का। ठीक है, सिकंदर के बारे में भी आप लोगों को बता चुका हूँ, इनकी इसकी भी बायोग्राफी कवर कर चुका हूँ, सिकंदर महान, द ग्रेट सिकंदर। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था, घनानंद। कथन एक कारण आर, लगभग 2 वर्ष में अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी में भारत छोड़ दिया। बिल्कुल सही है, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। ये बिल्कुल गलत है, ये सही है। ठीक है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने तथा अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध सशक्त शस्त्र धारण किया था वह है मस्सक। ठीक है, अब आप सोचिए कि उस समय महिलाएं भी महान हुआ करती थी। ठीक है, भारत में सिकंदर की सफलता के कारण थी, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी और उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। एक तरह से आप कहिए कि अंग्रेजों ने हमारे पास ऊपर 200 साल तक शासन क्यों कैसे किया, तो आपने देखा एकता नहीं थी भारत में, और जब 1947 तक आप देखते हैं कि एकता हो जाती इकट्ठी, तब उन्हें जाकर देश छोड़ना पड़ता है, तो इसलिए फूट डालो राजकलों की नीति, समझ रहे हैं, वही है। वह वीर राजा, भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, ए पुरु पोरस जिसे कहते हैं आप लोग। ठीक है, नियारकस और अन्य सिकेटस डायमिकस अरिस्टोबुलस में से वह जो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था, डायमिकस डायमिकस। ठीक है, चलिए मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं हम लोग। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, याद रखिए मौर्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, माना क्या जाता है, गुप्त मौर्य वर्धन कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश है मौर्य वंश, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। सैंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की है विलियम जॉनसन ने, या एक तरह से कहिए आप लोग कि चंद्रगुप्त मौर्य का दूसरा नाम सैंडोकोटस भी कहते हैं। फिलेनी जस्टिन स्टेवो मेगास्थनीज में से वह जिसने सैंडोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है यह जस्टिन। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिए कौटिल्य या चाणक्य के बारे में, इनके बारे में विस्तार से बात की थी, क्योंकि आपने देखा एक नीचे छोटे बिल्कुल निचले तबके के व्यक्ति को, बच्चे को उठाकर एक महान सिंहासन पर पहुंचाना गुरु, इससे आप मालूम चलता है कि गुरु कुछ भी कर सकता है, इनकी बायोग्राफी में भी कवर किया हुआ है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य की, अशोक की, सबकी की हुई है, जाइए आप लोग देखते रहिए। ठीक है, चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से, इसीलिए आप जानते हैं इन्हें विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य तीनों नाम ही के हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांत की पुस्तक, सप्तासंग सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग है राजा, अमात्य, जनपद, दो कोष, सेना और मित्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया राजनीतिक नीतियों पर, राजनीतिक नीतियों पर। मैकियावेली की प्रिंस की से तुलना की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए वह है पाटलिपुत्र। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है पाटलिपुत्र का। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और कुणाल ने में से वह महाराजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा गुजरात महाराष्ट्र पहली बार जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से मालूम चलता है। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख से। ठीक है, सेलुकस जिसको जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को हराया था चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में, ठीक है, BC में। ये मानचित्र आपको दिखाई दे रहा होगा अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय से, ये पूरा सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की अशोक ने। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका। अशोक की तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख और नवा मुख्य शिलालेख, प्रथम स्तंभ अभिलेख में से वह जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है,
द्वितीय मुख्य शिलालेख। भारत के प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण करवाया था अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय उपाधि। याद रखिए, अशोक एक तरह से आप कहिए सहिष्णु शासक था। वो किसी धर्म पर, मतलब ज्यादा आप सोचिए, किसी के धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाना। उसी ने तो कहा था कि आप अगर किसी के धर्म को नीचा दिखाते हैं तो असली में आप अपने आप को नीचा गिरा रहे होते, अपने धर्म को नीचा दिखा रहे होते। आप भी जानते हैं कि आप सामने वाले की इज्जत करेंगे, सामने वाला भी आपकी इज्जत करेगा। आप सामने वाले को डराएंगे, हो सकता है कि एक समय के लिए डरता रहे लेकिन एक समय के बाद वो उसका डर खत्म हो जाए। तो इज्जत दो इज्जत लो, यही सिद्धांत चलना चाहिए। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अशोक की एवं दशरथ रज्जुक थे, मौर्य शासन में अधिकारी सात बार कहते थे व्यापारियों की काफिले को। अज्ञाहारी युक्त और प्रादेशिक और राजयुक्त में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। अज्ञाहारी सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते थे सांची को। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। किसने? अशोक ने। स्थान स्मारक और स्मारक कौशाम्बी, गो सीताराम मठ, कुशीनगर, दानाभर स्तूप, सारनाथ, धमेक स्तूप, श्रावस्ती, सहेत महेत। ठीक है। सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम है गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा में। कालसी, गिरनार, शहबाजगढ़ी तथा मेरठ में से वह अशोककालीन अभिलेख जो खरोष्ठी लिपि में है साहेबाजगढ़ी पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स फ्रेंसिप ने। वह स्थान जहाँ प्राग अशोक ब्रह्मी लिपि का पता चला ये अनुराधापुर है। प्राचीन भारत में ब्रह्मी नागरी और शारदा और खरोष्टी में से वह एक लिपि जो दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी। अशोक के प्रस्तर स्तंभों के संदर्भ में सत्य कथन है इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है और स्तंभों का सेप्ट सुन्नाकार है। बिल्कुल सही। मांस की गुर्जर निट्टर और उड़ेन गोलन में से वह एक अभिलेख जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है मांस की। अशोक का रोमन देही स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। कितके? बुद्ध के जन्म से। गुर्जर लघु शिलालेख और जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है वह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, एमपी के दतिया जिले में आपको देखने को मिलेगा। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया यह है भाब्रू स्तंभ लेख। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली थी कालसी में। कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के शिलालेख में मिलता है, वह आपका शिलालेख 13वीं में। अशोक का पूर्ण रूपी धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख 12। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उसमें सम्मिलित है 2nd और 13। ठीक है। चोल पांडव सत्य पुत्र और सातवाहन में से वह दक्षिण राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है तो सातवाहन का देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी अशोकों की वध पर थी शिलालेख 1 में। टॉलमी फिला डेल्फस तुर्मय जिसके साथ अशोक के राजनय संबंधित थे वह शासक था कहाँ का? मिस्र का, मिस्र का। ठीक है। चोल गुप्त मौर्य और पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे मौर्य के। तो ये मत समझिए कि आज ही हमारे देश के अन्य देशों से संबंध है, उस समय भी आप देखते थे कि संबंध थे, विदेशों से भी आप संबंध देखते हैं, देश के अंदर भी आप संबंध देखते हैं। तो उसी तरह उसी से तो आप देखते हैं अभी भी कई क्षेत्रों में आप देखेंगे विदेश नीति में यही फैक्टर काम भी करते हैं, समझ रहे हैं। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है सोहे गुरा ताम्रपत्र। आप समझिए उस समय भी सोचकर पूरा करते थे कि चलिए सूखा पड़ी या संकट पड़ा तो काम तो आएगा, इस तरह की व्यवस्था की जाती थी भंडारण की। कथन एक कारण है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था
बिल्कुल सही है। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय एवं समुद्र मार्गों को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। ये आर दोनों सही है और आर ही के सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। कलिंग का ये युद्ध याद रखिए 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, ठीक है, अशोक ने जीता था। इसी के बाद तो देखते हैं आपका अशोक का हृदय परिवर्तन होता है, सब कुछ छोड़ देता है युद्ध में। युद्ध मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, सही है। भू अनुदान के विरोध कृषकों ने विद्रोह किया था, ये गलत है, यानी कि ए कथन सही है आर गलत है। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए दिया जाता था मृत्यु दंड, आप समझिए कि मृत्यु दंड दिया जाता था। आज आप सोचिए आज की स्थिति अलग है, आज अगर आप टैक्स चुराते हैं तो बहुत से बहुत कितना लग जाएगा, क्या होगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए ज्यादा चोरी आज के समय में कुछ ज्यादा ही चोरी रहती है। चलिए 1 लाख का अगर आप लोगों ने टैक्स बचा लिया तो पता है 5-10 हजार में रिश्वत देकर आप छूट भी जाते हैं, इसलिए कुछ ज्यादा इस तरह के नियम आदमी नहीं भरना पसंद करता है कि चलिए पकड़े गए तो छूट जाएंगे। ऐसा होता कि चलिए अगर जितना टैक्स बताया बचाया उससे 10 गुना लगता तो हर कोई डरता, समझ रहे हैं। इससे भी यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया 7 श्रेणियों में, अर्थशास्त्र, मुद्रा, राक्षस और मेगस्थनीज की इंडिका तथा वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लिखित है। प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी, मेगस्थनीज की इंडिका है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इंडिका क्या है, इंडिका वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, यह मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। मौर्य नरेशों ने विकास किया था संस्कृति, कला और साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू पुस्तक साम्राज्य, भाग एवं बलि थे, राजस्व के स्रोत थे, क्या थे, कर थे, भाग और बलि। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था एकत्रित किया जाता था, ये आपका सीता अध्यक्ष द्वारा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ठीक है, इनकम। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था समाहर था। मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभावी प्रभारी था ये था पोतवाध्यक्ष। पंकोद कस निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा दिया जाने वाला जुर्माना था, ये सड़क पर कीचड़ फैलाने पर एक तरह से जुर्माना लगता था, सजा, ठीक है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, तक्षशिला, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय अस्तित्व में थे, धर्मस्थलीय और कंटक शोधन। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का यह काल मौर्य काल में से जारी हुआ जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों और राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय था मगध एवं सूत वर्गों का। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था, मौर्यों ने। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई अर्थशास्त्र में, चाणक्य के या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। जातक मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित था मनुस्मृति में। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा किया गया सार्वजनिक स्तर था वात क्षत्रियों का। प्राचीन भारत की यात्रियों का सही क्रम है मेगस्थनीज, फिर आप देखेंगे फरयान और हेनसांग, इत्सिंग। सूची एक सूची दो, चंद्रगुप्त मौर्य, सेंडोकोटस, बिंदुसार को क्या कहते हैं, अमित्यघात, अशोक को पियदर्शी, चाणक को विष्णुगुप्त, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, वेहदत्त। सही कथन है अंतिम मौर्य शासक वेहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने की थी और अंतिम सुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी और उसने राज सिंहासन हत्या लिया। आंध ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। तो आप वही कहते हैं ना कि आप जो करेंगे वही आपको मिलेगा, आप दूसरे के साथ गलत करेंगे आपके साथ गलत होगा, तो इसमें आप देखने को मिलेगा कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि वो दूसरे से गद्दी छीनता है उसे मारकर, फिर उसका मंत्री होता है वो उसकी गद्दी छीनने के लिए उसकी हत्या कर देता है इस तरह से। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम
शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। सुमलित है लोथल, एंशिएंट डॉकयार्ड, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, सारनाथ लाइन कैपिटल ऑफ अशोक, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। ठीक है, चलिए अब मौर्य उत्तर काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। स्ट्रेटो सेकेंड, स्ट्रेटो फर्स्ट डेमेटियस और मिनांडर में से वह हिंद यमन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे, ये था स्ट्रेटो सेकेंड। बिम्बिसार गौतम बुद्ध और मिलिंद प्रसेनजीत में से वह जो अन्य तीनों के समेक नहीं था, मिलिंद नहीं था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख में। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं जूनागढ़ के अभिलेख में। बिना बिगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था रुद्रदामन ने। किसने? रुद्रदामन ने। उत्तरी तथा उत्तर उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के सिक्कों को जारी किया था किसने? कुषाणों ने। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने। भीम कडफिसस, कनिष्क, नहपान, बुद्ध गुप्त में से जिसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है वह है कनिष्क के सिक्कों पर आप देखेंगे बुद्ध का अंकन किया गया है। कुजुल कडफिसस, भीम कडफिसस और कनिष्क प्रथम और हुविस्क में से वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है भीम कडफिसस को। भीम कडफिसस, कुजुल कडफिसस, कनिष्क और हरमीज में से वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था भीम कडफिसस। योद्धे सिक्कों का अंकन मिलता है कार्तिकेय का। कनिष्क के शासन सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि थी 81 ईसा ईस्वी सन। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ है 78 ईस्वी में। शक संवत प्रारंभ किया गया था 78 ईस्वी में। विक्रम एवं शक संवतों में अंतर है 135 वर्ष का। विक्रम संवत आप देखेंगे 57 ईसा पूर्व में और शक संवत देखेंगे आप लोग कितने में 78 ईस्वी में। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 57 ईसा पूर्व में। कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष वसुमित्र, अश्वघोष चरक, नागार्जुन तथा पतंजलि में सिवाय जो कनिष्क के दरबार में सम्बद्ध नहीं था पतंजलि। अश्वघोष पार्श और वसुमित्र विशाखादत्त में सिवाय जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था ये था विशाखादत्त। कौन था? विशाखादत्त। श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा नगरों में से कनिष्क के अब तक अभिलेख में उल्लेख नहीं है श्रावस्ती का। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी चरक एवं जीवक ने। सुंग वंश के बाद भारत का राज किया कर्ण वंश ने। पुष्यमित्र सुंग खारवेल और गौतमी पुत्र सातकर्णी वासुदेव और चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त में वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है यह है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। सिमुक संस्थापक था सातवाहन का। अगर आपसे पूछे कि सातवाहन वंश की स्थापना संस्थापक कौन था? सिमुक। चीनी जनरल किसके कनिष्क को हराया था? चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था यह था पान चाऊ। गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश में से वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी कुषाण वंश की। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कुषाण काल में। कला की गंधार शैली फली फूली कुषाणों के समय में। ये राजवंश हो गए सिक्कों की धातुएं। कुषाण स्वर्ण एवं ताम के सिक्के चलवाए। गुप्त स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन सीसा और प्रोटीन, कलचोरी स्वर्ण रजत ताम्र। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बौद्ध प्रतिमाओं के लिए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति के संरक्षण थे उसे कहते हैं गंधार। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्त्री चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है गंधार मूर्ति कला कहलाती है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम है यूनानी शक कुषाण। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया ये था डेरियस प्रथम। कौन था? डेरियस प्रथम। चालुक पल्लव और राष्ट्रकूट और सातवाहन राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है ये देखने को मिलेगा सातवाहन। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती और प्रतिष्ठान में। कहाँ?
अमरावती प्रतिष्ठान में। आगे है आपका कथन ए, माफ करिए, एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए, निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन ए, कारण आ, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। बिल्कुल सही है। उनकी सो संगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। आर गलत है। कथन तो सही है, कारण गलत है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा था हाथी गुफा लेख के साथ। हाथी गुफा लेख के साथ अशोक हर्ष पुलकेशिन द्वितीय और खारवेल से में से वह जो जो जैन धर्म का संरक्षक था खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चैदी वंश से। दशरथ बेहद्दत खारवेल हुए इसके राजाओं में से वह जिसका जैन धर्म के प्रति भावरी झुकाव था खारवेल का। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था विधि में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुप्त और गुप्तोत्तर युग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। गुप्त वंश ने शासन किया 319 से 500 ईस्वी अवधि के बीच। ठीक है, चार अश्वमेध मेघों का संपादन किया प्रभावसेन प्रथम ने। भारत का नेपोलियन कैसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को आप लोग भारत का नेपोलियन कहते हैं। गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम था ये चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख संबंध है समुद्रगुप्त से। किससे? समुद्रगुप्त से। प्रयाग प्रशस्ति जानकारी देती है कुमारगुप्त के सैन्य अभियानों के बारे में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है जहांगीर का। किसका? जहांगीर का। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की। हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ गुप्त राजवंश। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल के समय। स्कंदगुप्त के शासनकाल में गुप्त शासक जिसने हूणों पर विजय प्राप्त की स्कंदगुप्त। वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था भीतरी स्तंभ लेख में। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, आयोग उत्तराधिकारी। शक विजेता के रूप में जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। शक विजेता के रूप में किसे जानते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था रुद्रसिंह तृतीय को। रुद्रसिंह तृतीय को रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पतन से संचालित होता था वह है ताम्रलिपि। कौन सा? ताम्रलिपि। भारत ने दक्षिण पूर्व पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं से ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। ठीक है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सैणी संगठन के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? सैणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करते थे। सैणी अपने सदस्यों का न्याय पर न्यायिक अधिकार भी होता था। ठीक है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित थे वस्त्र उत्पादन से। किससे? वस्त्र उत्पादन से। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषय रचना के लिए जाना जाता है सुश्रुत सुश्रुत। ठीक है, धन्वंतरी, भास्कराचार्य और चरक और सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र के संबंध में नहीं है भास्कराचार्य। ठीक है, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में सत्य कथन है प्रथम सती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल औजारों का उपयोग आम था। पांचवी सती ईस्वी के में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। सातवीं सती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। ठीक है, चंद्रगुप्त के नौ रत्नों में से फलित ज्योतिष में ज्योतिष संबंधित था छपनक। ठीक है, कालिदास किसके शासनकाल में थे? वह शासक था चंद्रगुप्त सेकंड। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दीनार। कौन सी? दीनार। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था रूपक। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटक में स्त्री और सूत बोलते थे प्राकृत। सती पिता का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरन से। गुप्त संबंध की स्थापना हुई चंद्रगुप्त फर्स्ट ने की। ठीक, गुप्त चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय हुई थी इसकी गुप्त संबंध।
सम्राट हो गए वो विरुद्ध, अशोक, प्रियदर्शनी, समुद्रगुप्त, परिक्रमांक, यानी कि एक तरह से कहिए कि इनकी ये दूसरे नाम थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य या उपाधि भी कह सकते हैं, स्कंदगुप्त, क्रमादित्य। ठीक है, आगे है आपका, नगरों का क्रमिक पतन एवं एक महत्वपूर्ण विशेषता विशेषता किसकी थी? गुप्त काल की। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था गुप्त वंश ने। प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त युग में भूमि राज की दर थी, उपज का छठा भाग हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था, उपज का छठा भाग। गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी ब्राह्मणों को। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे विदक भागम। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्र उपकरणों हेतु। तोरमान था होड़ जातीय दल, होड़ जा शासक मेहरकुल को पराजित किया था वालादित्य एवं यशोधर्मन ने। ठीक है, विशाखादत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा रक्षत की विषय वस्तु है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भि संधियों के बारे में सत्य कथन है। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए देवी अधिकारों का दावा करते थे, उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था, उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था। तीनों कथन ये सही है। शतरंज का खेल उद्भूत हुआ भारत में, यानी कि उद्भव कहाँ हुआ शतरंज के खेल का? भारत में। शूद्रक द्वारा लिखी प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय है एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा, प्रेम प्रसंग, समझ रहे हैं? तो उस समय भी प्रेम प्रसंग चला करता था। प्राचीन शाक्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान है कपिल का। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में शाक्य संप्रदाय से संबंधित सत्य कथन है। सांख्य की मान्यता है कि आत्म ज्ञान की मोक्ष की ओर आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव या फिर कारक। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान तथा धारणा में से वह जो अष्टांग योग का अंश नहीं है, अनुस्मृति। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक थे गंगेश। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने के बाद पुनरागमन नहीं हो सकता है। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है? चावाड़ की। एक और बात याद रखिए, जब तक जियो ऋण लेकर कर्ज लेकर घी पियो, एक तरह से वही कथन है। विशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे काढ़ाद। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। ठीक है, न्याय दर्शन गौतम। मीमांसा के प्रेरणादाता थे जैमिनी। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। सांख्य विशेषिक मीमांसा और न्याय तथा योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य है मीमांसा का है। मीमांसा और वेदांत न्याय और विशेषिक और लोकायत और कापालिक तथा सांख्य और योग युग्मों में से वह एक जो भारतीय सरदर्शन का भाग नहीं है, लोकायत और कापालिक। ठीक, अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं शंकराचार्य। ज्ञान कर्म भक्ति और योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ज्ञान द्वारा। किसके द्वारा? ज्ञान द्वारा। शंकराचार्य, अभिनय, भागवत और रामानुज और माधव में से वेदांत दर्शन के साथ संभव नहीं है, अभिनय गुप्त। ठीक है, अभिनव गुप्त इस सौ संभव उत्सव है और गणना होती विक्रम विक्रम शक, ये विक्रम 58 ईसा पूर्व, शक संवत ए 78, ये पीछे हम लोगों ने 57 पढ़ा था। यार पता है आप लोगों को कई जगह ये क्या रहता है कि 57 भी दे देता है, 58 सही डेट है इसकी। ठीक है, विक्रम संवत आप देखते हैं 58 सही है। ठीक है, शक संवत है आपका 78 ईस्वी, गुप्त संवत आपका 320 ईस्वी। ठीक है, और कली संवत संवत सर यानी कि सब संवत 3102 ईसा पूर्व, ये आपका बीसी है, ये भी बीसी है, दोनों ये ईस्वी है। ठीक है, 78 और 320 याद रखिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व यानी कि बीसी से आरंभ हुआ, शक संवत 78 ईस्वी से यानी कि एडी से प्रारंभ हुआ, गुप्त काल सन 1902 सॉरी 319 से प्रारंभ हुआ। भारत में मुसलमान शासक का युग लग सन
1192 से शुरू हुआ, ठीक है। पुलकेशिन सेकंड का बादामी शिलालेख सक 1465 का दिनांकित है। यदि इसमें विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वह 601 अथवा 600 होगा, ठीक है। एक चालुक्य के अभिलेख की तिथि अंकन में सक संवत का वर्ष 556 दिया है, इसका तुल्य वर्ष होगा 634। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठापुर, मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। हरिसेन, कलहन और कालिदास में से वह जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं नहीं थे, यह कलहन। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? बाणभट्ट ने। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज, कौन थी? कन्नौज। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी कन्नौज में, कहाँ? कन्नौज में, ठीक है, कन्नौज में। सम्राट हर्ष ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज और प्रयाग में, कन्नौज और प्रयाग। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, ये प्रयाग में। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था पुलकेशिन सेकंड ने, किसने? पुलकेशिन सेकंड ने, द्वितीय ने। हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को पराजित किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। कवि वार्ड निवासी था पृथ्वीकूटा औरंगाबाद का। हेनसांग भारत आया था सम्राट हर्ष के शासनकाल में। हेनसांग चीनी यात्री है, सम्राट हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री युआन चांग हेनसांग ने तत्कालीन भारत के सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया। इस संदर्भ में सही कथन है, जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है तो अग्नि जल विष द्वारा सत परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को नौ घाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। आप समझिए, एक समय हुआ करता था गीता पर अगर कसम रखकर आप हाथ कसम गलत खा लेते थे तो आपको सजा मिल जाती थी, भगवान देता था। आज आप देखिए, तो एक मान्यता होती है, मुझे लगता है जब सभी पापी भर जाएं तो कहां से ये मान्यता भाई। उस समय आप सोचिए कि विष पिलाया जाता था सत्य की परीक्षा देने के लिए, और आज पिला के देखिए किसी भी कीमत में वो जिंदा नहीं रहेगा, समझ रहे हैं? और उस समय आदमी अगर निर्दोष होता था तो वो पी भी लेता था, वो किसी भी परीक्षा को देने के लिए तैयार रहता था, समझ रहे हैं? हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कोसे शब्द का प्रयोग किया गया था रेशम के लिए। चीनी यात्री हेनसांग ने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सीयूकी की रचना। चीनी यात्री जिसने भीन माल यात्रा की थी हेनसांग ने। चीनी यात्री इसिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 671 और 672 ईस्वी में। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं इन तू नाम से। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुस्लिम आक्रमण। भारत में सबसे प्राचीन विहार था नालंदा। नालंदा स्थित है बिहार में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। क्या था? कन्नौज। कथन एक और कारण आठ। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की केशक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है, याद रखिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था की अनिवार्य तथ्य थी भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामीदास संबंध का बनना, ठीक है, ये सामंती व्यवस्था की अनिवार्य तथ्य थे, आधार स्तंभ थे। सत्य कथन है चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। चीनी यात्री हेनसांग हर्ष से मिला, उसे बौद्ध धर्म का उपासक बताया, बिल्कुल सही है दोनों। 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही कथन है, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने वेदांत का प्रसार भी किया। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्मों के विस्तार पर रोक भी लगाई। ये सभी कथन आपके सही है शंकराचार्य के बारे में। संत आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। किसमें? केरल में, दक्षिण भारत का राज्य, ठीक है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन से थे? जोशी मठ, द्वारकानाथ, पुरी और संगरी में, ठीक है। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का राज कवि था। भवभूति कन्नौज की अशोकवर्धन। हरि हरिसेन समुद्रगुप्त दंडी नर सिंह वर्मन, ठीक है, ये दरबारी कवि हो गए राजा। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड, हरिसेन समुद्रगुप्त और वाडवट हर्षवर्धन। पता है इसके इसमें कुछ आपकी प्राज मध्यकालीन भारत की पॉइंट भी लिए गए हैं, तो चलिए खैर छोड़िए, अपन को क्या लेना देना, पढ़ना है।
सम्मिलित हैं भोज, धार, दुर्गावती, गौड़वाना, समुद्रगुप्त, प्रांतीय शासक विदिशा का था, अशोक प्रांतीय शासक था उज्जैन का। अब बात कर लेते हैं प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के बारे में। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था चंदेल ने। अब देखिए मध्यकालीन भारत का है पॉइंट। खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं हिंदू धर्म और जैन धर्म से। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कर पाया था चंदेल वंश के राजाओं ने। किसने? चंदेल वंश के राजाओं ने। ये एमपी के एग्जामों में तो पूछता ही है, साथ में आपका कई एग्जामों में आपके पूछ लेता है, ठीक है। खजुराहो को मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। कंदरिया महादेव 64 योगिनी, दशावतार और चित्रगुप्त में से हुआ है मंदिर, जो खजुराहो में नहीं है, दशावतार नहीं है। खजुराहो के मंदिर भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप और मांडू का महल में से हुआ है, जो विश्व धरोहर स्थल नहीं है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, मांडू का महल नहीं है। आप जानते हैं कि खजुराहो के मंदिर भी हैं, भीमबेटका की गुफाएं भी हैं, सांची के स्तूप भी शामिल है, लेकिन मांडू का महल शामिल नहीं है आपका विश्व धरोहर स्थल में। भीतर गांव मंदिर, ग्वालियर की तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और ओसिया मंदिर में वह जिसका शिखर देवीड़ शैली से बना है, ये देखेंगे आप लोग ग्वालियर का तेली मंदिर। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कन्हेरी केंद्र में देखने को मिलेगी। आबू का जैन मंदिर बना है संगमरमर से। किससे? संगमरमर से। भावनगर, माउंट आबू, नासिक और उज्जैन नगरों में से वह जिसके निकट पाली ताना मंदिर अवस्थित है, भावनगर। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः इस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई थी, शैव धर्म और बौद्ध धर्म। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। किसे? राष्ट्रकूटों को। अजंता भाजा एलिफेंटा तथा एलोरा में से त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है एलिफेंटा। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्तांकन के केवल दो उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्तांकन है और गुप्त काल के चित्तांकन का दूसरा अवशिष्ट उपलब्ध है बाघ गुफाओं में। एलोरा की गुफा गुहा मंदिर संबंधित है हिंदू बौद्ध जैन से। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदुओं बौद्ध और जैनों के। बौद्ध हिंदू जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में आपको देखने को मिलेंगे। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं हैं नासिक, एलोरा, अजंता में। एलिफेंटा नालंदा अजंता खजुराहो में से बौद्ध गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है अजंता। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा को। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये भी कई बार पूछ लिया, राष्ट्रकूट वंशों ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्ण फर्स्ट ने। राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था जैन धर्म को। किसे? जैन धर्म को। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। एक गुप्त मंदिर हो गया स्थान, ईंट निर्मित मंदिर भीतरगांव, दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी, शिव मंदिर भूमरा और विष्णु मंदिर एरन में आपको देखने को मिलेगा। भारतीय शिलावास्तु के इतिहास के संदर्भ में सत्कथन है भीमबेटका की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बराकर की शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक द्वारा मूलतः अजीवकों के लिए बनवाई गई थी। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। ये सभी कथन आपके बिल्कुल सही हैं। अजंता की कला को प्रेसर यानी कि सहायता दिया था वकाटकों ने, ठीक है। अजंता की गुफाएं रामायण महाभारत जातक कथाएं और पंचतत्व कहानियों से संबंधित हैं, जातक कथाओं से। किन से? जातक कथाओं से। भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर को। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में से दो जो तथ्य समान हुए हैं, दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। सूची एक, सूची दो। हम्पी कहाँ देखने को मिलेगा? कर्नाटक में। नागार्जुन कोंडा ये आंध्र प्रदेश, शिशुपालगढ़ उड़ीसा, अरिकमाडु ये पुडुचेरी में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ देखने को मिलेगा? नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया था, ये है उड़ीसा में, ठीक है। नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया था इसे, काला पिगोड़ा के नाम से जानते हैं इसे। कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है इसे ही आप लोग ब्लैक पिगोड़ा या फिर काला पिगोड़ा कहते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर स्थित है गुजरात में। लिंगराज मंदिर अवस्थित है भुवनेश्वर में। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? लिंगराज मंदिर। जगन्नाथ मंदिर स्थित है उड़ीसा में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर निर्माण है नागर शैली में। विष्णु को समर्पित अंकोर वाट मंदिर है कंबोडिया में, हमारे देश से बाहर है कंबोडिया में। बोरोबदूर स्तूप है जावा में, ठीक है, जावा में। फिर आपका अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया था सूर्य वर्मन सेकंड ने। सूर्य वर्मन सेकंड ने
दैविड शैली के मंदिर में गोपुरम से तात्पर्य तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन को कहते हैं। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम अथवा मामल्लपुरम का मंदिर बनवाया गया पल्लव द्वारा। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट द्वारा। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। किसने? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। द्रौपदी रथ, भीमरथ, अर्जुन रथ और धर्मराज रथ में से वह रथ जो सबसे छोटा है ये आपको देखने को मिलेगा, द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। ये स्थान हो गए, स्मारक हो गए, एलिफेंटा गुफाएं, सेवन बेलगुला ये मूर्ति है, खजुराहो मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, सांची स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। एक ऐतिहासिक स्थल और राज्य भीमबेटका एमपी मध्य प्रदेश, सोर टेम्पल ये तमिलनाडु, हम्पी कर्नाटक, मानस असम। ठीक है, एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों ने बनवाई यानी कि इनका संरक्षण रहा, मीनाक्षी मंदिर पांड और खजुराहो मंदिर चंदे शासकों, महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव। सूची एक, सूची दो, बैजनाथ धाम शिव मंदिर, सारनाथ बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल, दिलवाड़ा जैन मंदिर, बद्रीनाथ विष्णु मंदिर, बद्रीनाथ विष्णु मंदिर। ठीक है, सूर्य मंदिर कोणार्क, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, हवा महल जयपुर, गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक। सूची एक, सूची दो, नालंदा विश्वविद्यालय, सारनाथ अशोक स्तंभ, सांची स्तूप के लिए, कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित था सिंधु और झेलम नदियों के बीच। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, ये दतिया के निकट आपको सन्निकट देखने को मिलेगा, याद रखिए एमपी में, कहाँ? एमपी में दतिया में। सोनागिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन स्थल स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है माउंट आबू में अरवली पर्वत पर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है हम्पी में। नागर देविड और बेसर भारतीय मंदिरों मंदिर वास्तुओं की तीन मुख्य शैलियां हैं, याद रखिए नागर देविड और बेसर ये मंदिर में बनाने की शैलियां हैं प्रमुख। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निश्चित किया गया है मंदिर रचना शैली के लिए। ठीक है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य स्थित है सीतापुर में, ये विख्यात मूर्ति शिल्प हो गए और स्थल हो गए। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक देवी संगीतक और नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं, ये अजंता में आपको देखने को मिलेगा। परस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के 12 वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी के गहरे विक्षुब्ध सागर से उभारते दर्शाए गए हैं, ये आपको उदयगिरी गुफा में देखने को मिलेगा। विशाल गोलाश्रम पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण ये मामल्लपुरम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक और उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति में से वह जिसका सबसे पहले निर्माण किया गया था, तो ये धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण सबसे पहले इनमें से किया गया था। ठीक है, याद रखिए। अब दक्षिण भारत में भी आप देखते हैं चोल चालुक्य और पल्लव और संगमयुग, इन्हें भी देख लेते हैं। 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोल साम्राज्य की नींव डाली थी विजयालय ने। किसने? विजयालय ने। वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, ये आपको बेहदेश्वर मंदिर में देखने को मिलेगी। तंजौर का बेहदेश्वर मंदिर जिस चोल शासक के काल में निर्मित हुआ था वह था राजराज प्रथम। चोलों का राज्य फैला था कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक। कावेरी बदनम महाबलीपुरम और कांची और तंजौर में से चोलों की राजधानी क्या थी? तंजौर। ठीक है, चोल प्रशासन की विशेषताएं थी एक ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। वह दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें उत्तर ग्राम प्रशासन था चोल में। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में भी हैं उत्तर मेरूर। चोल शासकों के शासनकाल में उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था टोट वारियम। सही कथन है, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता भी है। ये सभी कथन सही है आपके। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति पाई प्रा चतुर्भुज। कैसी है? चतुर्भुज। दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्य की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है नटराज को। किसे? नटराज को। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमा है में सबसे अधिक विख्यात है नटराज की शिव की कांसे की प्रतिमा। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें दर्शाती है। किसे? शिक्षक के रूप में।
72 व्यापारी चीन में भेजे गए थे कुलोत्तुंग फर्स्ट के काल में समय में। चोल चेर पल्लव राष्ट्रकूटों में से दक्षिण भारत का वह राज्य वंश जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, ये था चोल। कौन था? चोल था, चोल, चालुक, चोल, कन्नब और कलचुरी राजवंशों में से हुआ, जिसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, यानी कि अपने जीते जी। चोल चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था, वह है राजेंद्र प्रथम। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की गई थी राजेंद्र प्रथम ने। वह चोल शासक जैसे चोल गंगम नामक बेहद किंतिम झील बनवाने का श्रेय दिया था राजेंद्र प्रथम। वह चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ की थी, राजराज प्रथम ने, राजराज प्रथम ने। चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी, ये था राजराज प्रथम। चोल राजाओं में वह जिसने सिलोन पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी। सिलोन, याद रखिए आप लोग श्रीलंका को जानते हैं सिलोन के नाम से, राजेंद्र प्रथम था। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था, ये था कुलोत्तुंग फर्स्ट। ठीक है, ये शब्द हो गया, वितरण हो गया। विवरण, एरीपत्ति भूमि जिसमें मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय की रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तनीरियूर, ये स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम गठित करना। घट्टी का, प्रा मंदिरों के साथ समृद्ध विद्यालय होते थे घट्टी का। प्राचीन भारत का वह महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण की व्यंगी से जोड़ता था, तगर में। हाँ, तगर में। ठीक है, चालुक वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। चोल चालुक पाल और सैन्य में से वह वंश जिसके द्वारा महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे, चालुक। चालुकों की राजधानी थी वतापी। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन सेकंड की इहोल अभिलेख में। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द बहुत तक था काली मिर्च का। संगम साहित्य में तोल का पियम एक ग्रंथ है। तमिल व्याकरण का शिल्पाधिकारम का लेखक था एलंगू अडिगल, अडिगल। ठीक है, सम्मिलित है सूची एक सूची दो। तिरुकुरल दर्शन से संबंधित, तोलकाप्पियम व्याकरण, शिल्पाधिकारम प्रेम कथा, मणिमेखले वडिक कथा। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना प्राप्त होती है अरिकामेडु पुरास्थल की खुदाइयों से। अरिकमाडु तामिल लिपि कोरके और बारबेरी कम में से वह बंदरगाह जो पोडिको नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के लेखक को गया था अरिकामेडु। रोमन बस्ती प्राप्त हुई अरिकमाडु से। एम्फोरा जार होता है लंबा और दोनों तरफ हत्तेदार। कदम चेर चोल और पांडव राजवंश में से वह जिनका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, कदम। ठीक है, चेर चोल पल्लव और पांडव में से वह जो तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था, ये पल्लव नहीं था। धार्मिक कविताओं का संकलन कोरल तमिल भाषा में। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है कोरल। तमिल रामायण या रामावतारण का लेखक है कबम कम्बन। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सही कथन सत कथन है तमिल क्षेत्र के लिए सिद्ध सितर एकेश्वरवादी थे, मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे और जाति अधिक्रम को अस्वीकार भी करते थे। ये सूची एक सूची दो। गुप्त देवगढ़ चंदेल खजुराहो चालुक बादामी पल्लव पनमली से संबंधित थे। चतुर्वेदी मंगलम परिषद अष्टदिग्गज और मणि ग्रामम में से वह जो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था मणि ग्रामम। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। चोल और राष्ट्रकूटों के बीच चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया गया मलिक कपूर के द्वारा, मलिक कपूर के द्वारा, कपूर। संगम युग में उरेयूर विख्यात है सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में। पांडव राज्य की जीवन रेखा है बैंगी नदी। संगम पतन जो पश्चिमी तट पर स्थित है नौरा तोंडी मुसेरी और नेलखिंड सेंडा। संगम वाली साहित्य में कौन वो मन्नन प्रयुक्त होते हैं राजा के लिए। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। प्रथम एवं द्वितीय संगम का आयोजन क्रमशः हुआ है मदुरई कपाटपुरम अलीवाई में। वह ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आयकरण किया उन्हें आर बनाए अगस्त ने, ऋषि अगस्त। सूची एक सूची दो। चालुक
बादामी से संबंधित, पल्लव कांचीपुरम, हर्ष कन्नौज, पांडव मदुरई। वह चीन यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया था, ये था मत्वालीन। ठीक है, चालुक्य राजपूत, गुप्त एवं मौर्य में से वह राजवंश जिसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया, तो ये चालुक्य ने नहीं किया था। कदम राजाओं की राजधानी थी बनवासी। दक्षिण भारत का वह वंश जिसने के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था, पांड्य। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। ठीक है, ये सम्मिलित हैं मीनाक्षी मंदिर मदुरई, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल, महाकाल मंदिर उज्जैन, बेलूर मठ हावड़ा। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों से संबंधित है, हेरोडोटस को आप लोग कहते हैं ना, कि इतिहास का, हिस्ट्री का फादर कहते हैं। पिता मुद्रा रक्षक के लेखक थे विशाखा दत्त। साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकें जो गुप्त काल में लिखी गई थी, अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस। ठीक है, आगे आपका दस कुमार चरित के रचनाकार थे दंडिन। कुमार संभव महाकाव्य लिखा गया कालिदास ने। मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव और जानकी हरण में से वह नाटक जो कालिदास ने नहीं लिखा था, जानकी हरण नहीं लिखा था, मालविका मित्र लिखा है, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, ये सभी किसके ग्रंथ है, कालिदास के। ये पूछ लेता है कई बार, ये लेखक हो गए पुस्तक। पढ़नी ने कौन लिखी, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे, पढ़नी। कामसूत, वात्स्यायन, अर्थशास्त्र, चाणक्य, राजतरंगिणी, कलहट। कलहट द्वारा राजतरंगिणी संबंधित है कश्मीर के इतिहास से। अष्टाध्यायी लिखी गई है पढ़नी द्वारा। सम्मिलित करना है लेखक हो गए रचनाएं, भारवी, कीर्तार्जुनीयम, हर्ष, नागानंद, कालिदास, मालविकाग्निमित्रम, कर्पूर मंजरी। ठीक है, संस्कृत की रचनाएं जिन्होंने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया, नैषधीय चरित, कीर्तार्जुन नियम और शिशुपाल वध। ठीक है, सूची एक, सूची दो, विशाखदत्त नाटक है, वराहमिहिर एक खगोल विज्ञान, चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित। चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित चिकित्सा से, किससे, चिकित्सा से। वराहमिहिर की पंच सिद्धांति का आधारित है यूनानी ज्योति विद्या से। कालिदास रघुवंश, भास स्वपनवास वासवदत्तम, बाणभट्ट कादंबरी, हर्ष रत्नावली। मिलिंद पनौ पाली ग्रंथ है, पाली ग्रंथ है। बौद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पनौ, जिसे जिस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है, वह मिनेंडर। ठीक है, मिलिंद पनो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु कौन थे, नांगसेन। वह सरोज जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, मिलिंद पनो। ठीक है, दरबारी कवि हो गए राजा अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिसेन, समुद्रगुप्त, बाणभट्ट, हर्षवर्धन। राजतरंगिणी के लेखक कलहण के समय शासक था जयसिंह। कलहण कीर्ति राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं, 8 तरंग हैं। कलहण की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया जौनराज और श्रीवर ने। सौंदरानंद रचना है अश्वघोष की। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिता के लेखक हैं हर्षवर्धन। अमरकोश सिद्धांत शिरोमणि, बेहद संहिता और अष्टांग हृदय में से वह जो विश्वकोशीय ग्रंथ है, बेहद संहिता। मृच्छकटिकम, शूद्रक, बुद्धचरित, अश्वघोष, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, हरिश्चरित, बाणभट्ट। ग्रंथकार मूल ग्रंथ, वराहमिहिर, बेहद संहिता, विशाखापट्टनम, देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक, मृच्छकटिकम, बिलहट, विक्रमांक, देवचरित। ये भी आपका सही है, कर्पूर मंजरी, राजशिखर, मालविकाग्निमित्र, कालिदास, मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त, सौंदरानंद, अश्वघोष। ठीक है, याद रखिए, क्या क्या याद रखें कहियो। शकुंतलम लिखा है कालिदास ने। मच्छकटिकम, मेघदूत, ऋतु संगार, विक्रम वर्षियम में से कालिदास की साहित्य कृति नहीं है, मच्छकटिकम नहीं है। कालिदास द्वारा रचित मालवी काग्निमित नाटक नाटक है, का नायक है अग्निमित्र। वह पुस्तक जिसमें सुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है, मालविकाग्निमित्त। स्वप्नवास वदिता के लेखक हैं भास। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव अलंकित करते थे लक्ष्मण सेन की सभा को। रचनाएं हो गई विषय, अष्टांग संग्रह, आयुर्विज्ञान, दस रूपक, नाटकला, लीलावती, गणित, महाभास, व्याकरण। तुम्हारा अधिकार कम है, फल की भांति पर नहीं,
यह वाक्य जिस ग्रंथ का है वह है गीता। जो यहाँ के यहाँ है वह अनंत भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह किसने कहा था? महाभारत में। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, यह पंचतंत्र। कौन सा है? पंचतंत्र। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है विष्णु शर्मा द्वारा। विष्णु शर्मा द्वारा ये लेखक हो गए, ये ग्रंथ हो गए। सर्व वर्मा, कातंत, शूद्रक, मृच्छकटिकम, विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा, कलहण, राजतरंगी। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर और लल्ल में से हुआ है जो बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, यह है भास्कर। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे भास्कर आचार्य। आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की थी, ये थे आर्यभट्ट। मत विलास प्रहसन का लेखक था महेंद्र बर्मन। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। किससे? समाज व्यवस्था से। भारत में प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। शून्य का आविष्कार किया था किसी अज्ञात भारतीय ने, नाम मालूम नहीं है। लाइफ ऑफ हेवेन सेयांग हुईली, द नेचुरल हिस्ट्री प्लेनी, हिस्टोरियल फिलिपिक फिलिपिकल पाम्पेक्स टोगस, द हिस्टीरीज ए हेरोडोटस। सितार, वीणा, सरोद और तबला में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। कुछ पूर्व मध्यकाल के पॉइंट देख लेते हैं। 800 से 1200 ईस्वी के पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है पृथ्वीराज तृतीय। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जीर्ण विहार बनवाया था सारनाथ में। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया सूरवंशी। आला उदल संबंधित थे महोबा से। पृथ्वीराज रासो के लेखक थे चंदवरदाई। पृथ्वीराज विषय के लेखक थे जयानग। सारंग देव, हमीर रासो, चंदवरदाई और पृथ्वीराज रासो, जगनिक, आलाखंड, नरपति नाल, ये विशल देव रासो। ठीक है। राजपूतों वंशों में से हुआ जिसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का यानी कि दिल्ली शहर की स्थापना की थी, ये तोमर वंश, जिसे आज आप लोग दिल्ली जानते हैं ना उसी। जिजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। पुंडोवर्धन भुक्ति अवस्थित थे उत्तर बंगाल में। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था, धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित था बिहार में। राष्ट्रकूट समाज साम्राज्य में नींव रखी दंती दुर्ग ने। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाता था दंती दुर्ग ने। किसने? दंती दुर्ग ने। ठीक है। अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। महानतम पितिहार राजा था मेहरभोज। कौन सा? मेहरभोज। महान जैन विद्वान हेमचंद अलंकृत करते थे कुमारपाल की सभा को। धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन और लक्ष्मण सेन में से वह जिसने एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त किया है, ये था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया था सेनों द्वारा। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधि वेता थे विज्ञानेश्वर हिमाद्री और जेमुद वाहन। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर संबंधित थे महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में से। पितिहार कन्नौज, चोल, तंजौर, परमार, धार, सोलंकी, अनहिलवाड़। ठीक है। गुर्जर पितिहार वंश की स्थापना की थी नांगभट्ट प्रथम ने। गुर्जर पितिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नांगभट्ट प्रथम ने। पितिहार पाल राष्ट्रकूट और चोल में से वह जो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था चोल। महोदया पुराना नाम है कन्नौज का। नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था कन्नौज को। चामुंडराय, जयसिंह, सिद्धराज, कुमारपाल और महीपाल देव में से वह जिसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी जयसिंह सिद्धराज। राजा भोज ने शासन किया था धार पर। भोजराज मंदिर की अष्टात्री देवी है भगवती सरस्वती। गौड़ बहु की रचयिता है बागपति। ठीक है। प्रसिद्ध स्थान क्षेत्र बोधगया बिहार में, खजुराहो बुंदेलखंड, शिरडी, अहमदाबाद महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, तिरुपति, रायलसीमा आंध्र प्रदेश। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा निरूपित करता है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र वाटर हील को आप लोग अर्घट्टा के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका प्राचीन भारत और कुछ इसमें पॉइंट, कुछ ही पॉइंट आपके मध्यकालीन भारत के बीच जुड़ गए। ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे सेपरेट आपका मध्यकालीन भारत, उसके बाद हम लोग आधुनिक काल, आधुनिक भारत। ठीक है। तीनों को देख लेंगे।